हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर टू, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 hours, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 hour, हु वर्कड लॉन्गर एंड बाय वॉट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर। ठीक है, मतलब माइकल ने एक पिक्चर को कलर किया 7/12 hour में, और वैभव ने किसी पिक्चर को, वही वाली पिक्चर जो थी उसी को उसने वैभव ने कलर किया 3/4 hour में। ठीक है, तो किसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया उस पिक्चर को कलरिंग करने में, किसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया। देखो, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है ना। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी कोई भी ड्राइंग बना रहे हो तो आप जल्दी बना सकते हो, आपका फ्रेंड लेट बना सकता है, तो दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है करने की। ठीक है, किसी भी वर्क को करने की एफिशिएंसी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो माइकल है वो 7/12 hour ले रहा है किसी पिक्चर को फ्रेम कलरिंग करने में, और जो वैभव है वो उसी सेम पिक्चर को कलरिंग करने में 3/4 hour ले रहा है। ठीक है, हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा टाइम लिया, सबसे पहली बात तो ये बतानी आपको, एंड बाय वॉट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, और कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा लॉन्गर है और कितना है। ठीक है, ये भी आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो माइकल ने फिनिश किया तो हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं, तो टाइम टेकन बाय, एक मिनट यहाँ पर लिख लेते हैं हम लैंग्वेज के फॉर्म में, टाइम टेकन बाय माइकल टू कलर द पिक्चर, इज इक्वल टू, कितना टाइम लिया माइकल ने, 7/12 hour। ठीक है, चलिए अब वैभव की बात कर लेते हैं, तो वैभव ने कितना टाइम लिया, तो टाइम टेकन बाय वैभव टू कलर द पिक्चर कितना, 3/4 hour, 3/4 hour। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपने को क्या करवाना है, कंपैरिजन कैसे करवाना है कि भैया किसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया, 7/12 ज़्यादा है या 3/4। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस किए वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था कि कंपैरिजन कब किया जाता है, जब उनके डिनोमिनेटर इक्वल हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका 7/12 है, यहाँ पर इसका हार जो है वो 3/4 hour, तो डिनोमिनेटर इक्वल है क्या, हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला हार ज़्यादा है या ये वाला हार ज़्यादा है, तो कंपैरिजन नहीं कर पा रहे ना, तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल करना मीन्स इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शंस, ये जो दोनों फ्रैक्शन लिखे हुए 7/12 and 3/4, ये दोनों फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है, इन अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन मींस पता है कि जिनके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, क्लियर है, 7/12 और 3/4। यहां पर देखिए डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है, मतलब ये जो एग्जांपल है ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल है। वहीं अगर मैं बात करता हूं 3/4 and 1/4, ये दोनों एग्जांपल्स हमारे लाइक फ्रैक्शन के, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में दोनों में सेम वैल्यू है 4, क्लियर। तो हम भी क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, मींस इनको हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है, तो हम लिख लेते हैं यहां पर कन्वर्टिंग बोथ फ्रैक्शंस, कन्वर्टिंग बोथ फ्रैक्शंस इन लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं लाइक फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट, तो देखिए यहाँ पर 7/12 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा 3/4 है। लाइक फ्रैक्शन के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बात समझना। देखिए हमें क्या करना होता है यहाँ पर, मैं इसे तो वापस से, चलो रहने दो। देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, दोनों का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, 12 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप निकाल लीजिए, और वैसे तो 12 ही आएगा मुझे पता है, लेकिन 12 और 4 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। शॉर्ट ट्रिक की वीडियो मैंने आपको बना दी है, आप एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो जरूर देखना, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप विद इन 2 सेकंड के अंदर आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 12 और 4 है, तो इसका अपन एलसीएम निकालते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, एंड फिर 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6, इनको आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 आएगा, तो 12 आपको क्या रखना है, नीचे रखना है। ठीक है, ये रख लिया हमने 12, अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो 12 को देखो, इस 12 को डिवाइड करना है इस 12 से, डिनोमिनेटर से, तो 12 से डिवाइड करेंगे 12 को कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस के इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, तो 1 को इंटू करेंगे 7 से, तो 7 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप 12 रख लो, क्योंकि अब हमारा एलसीएम क्या बन गया, हमारा जो डिनोमिनेटर बन गया वो 12 बन गया, मतलब एलसीएम बन गया, एलसीएम जो था वो 12 था, तो डिनोमिनेटर हमारा दोनों का 12 बन गया। अब देखिए इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करते, तो ये 12 आया, अब इस 12 को डिवाइड करेंगे 4 से कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से, मतलब 9 से, तो 9/12, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी बन चुकी है 7/12, और ये वाली वैल्यूज़ बन चुकी है हमारी 9/12।
बात क्लियर है इतनी, कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो 7/12 और 9/12 बन गई है। अब देखो ये हेयर हम कह सकते हैं कि 7/12 जो है, अब आप कंपैरिजन कर पा रहे हो 7/12 बड़ा है या 9/12 बड़ा है, तो आप कहोगे 7/12 छोटा है और 9/12 बड़ा है। सो 7/12 इज लेसर देन 9/12, मैंने आपको बताया था इस साइन का मतलब, जो बड़ा हो उसकी तरफ फेस ओपन कर दो। देखो 9/12 बड़ा था ना, फेस ओपन कर दिया हमने 9 की तरफ, ठीक है, कंपैरिजन कर लिया अपन ने, तो 7/12 इज लेसर देन 9/12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 7/12 है, ठीक है, ये था 7/12, और 9/12 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 9/12 को 3/4 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं, इसको देखकर हम कह सकते हैं देयरफोर जो 7/12 होगा, जो 7/12 होगा वो लेसर देन होगा, अब 9/12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 को, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3/4, क्लियर है, हमने बता दिया। तो 3/4 किसका था, वैभव का था, और 7/12 किसका था, हमारा माइकल का था। तो किसका ज़्यादा है, इसने पूछा ना हु वर्क लॉन्गर, तो किसने लॉन्गर, किसने ज़्यादा काम किया, 3/4, किसने ज़्यादा टाइम लिया था, 3/4 वाले ने, ठीक है, कौन बड़ा है, 3/4 ही तो बड़ा है, और 3/4 किसका है, 3/4 यहाँ पर देखिए वैभव का है वैभव का, तो वैभव ने ज़्यादा काम किया, तो 10 वैभव वर्कड लॉन्गर टाइम, ठीक है, वैभव ने ज़्यादा टाइम तक काम किया था, ठीक है, एंड कितना टाइम ज़्यादा किया ये भी तो अपने को निकालना पड़ेगा। इसने पूछा बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर वैभव, इसके लिए क्या करेंगे हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, ठीक है, किसमें भी अगर आपको पता ना लगाना है कि कितना ज़्यादा किया कितना कम किया तो वहाँ पर आपको डिफरेंस लगाना होता है। तो वैभव वर्कड लॉन्गर टाइम, वैभव वर्कड लॉन्गर टाइम बाय कितना ज़्यादा है, तो निकालते हैं हम, तो हम क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, 3/4 ज़्यादा था, 7/12 कम था, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, मतलब 3/4 में से माइनस करेंगे 7/12 को, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पर अपन जब करेंगे 3/4 में से माइनस करेंगे 7/12 को, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, सबसे पहले तो इनका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, मतलब एलसीएम ले लेते हो, एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पर 4/12 का, एलसीएम ऑफ 4 एंड 12, या आप एलसीएम क्यों ले रहे हो, दो फ्रैक्शंस को हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो लगा सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, सिंपल सिंपल सी बात है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, देखो पहले 12 को इंटू करो 3 से कितने टाइम्स, 36, एंड 7 को इंटू करो 4 से 28, माइनस था बीच में माइनस लगा दे, डिवाइडेड बाय 12 को इंटू करो 4 से 48, ठीक है। तो जब भी दो फ्रैक्शंस हो तो उसमें अगर दो फ्रैक्शंस को अगर अपने को प्लस करवाना है माइनस करवाना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाओ, बहुत आसान होता है। अब यहाँ पर देखो 36 में से अगर माइनस करेंगे 28 तो कितना आएगा, 30 तो 2 हो गया 6, 8 आएगा, 8/48, और 8/48 को भी सॉल्व कर सकते हैं, 8 1 जा 8 8 6 जा 48, तो 1/6 hours उसने ज़्यादा किया था। तो हम स्टेटमेंट के तौर पर लिख सकते हैं 10 वैभव टुक 1/6 hour मोर देन माइकल, ठीक है। तो वैभव ने कितना ज़्यादा लिया था माइकल से, 1/6 hour ज़्यादा लिया था, 1/6 hour मोर देन, यहाँ पर लिख लो आप माइकल, क्लियर है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था कि भाई पिक्चर देखो, एफिशिएंसी सबकी अलग अलग होती है, तो माइकल ने तो 7/12 hour लिया, वैभव ने 3/4 hour लिया, तो किसने ज़्यादा लिया, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करना मुश्किल था, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो पहले तो इन फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, लाइक फ्रैक्शन से हम कंपेयर कर सकते हैं, तो 7/12 था, 9/12 था, तो 9/12 इधर वाला पार्ट ज़्यादा था, इसका मतलब है कि 7/12 इज लेसर देन 3/4, क्योंकि 9/12 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3/4 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3/4, अब 3/4 किसका था, वैभव का था, इसका मतलब है कि वैभव ने ज्यादा टाइम लिया, तो वैभव वर्क लॉन्गर टाइम, एंड वैभव वर्क लॉन्गर टाइम बाय कितना ज्यादा लिया इसने टाइम, ये भी तो मत निकालना है, तो 3/4 में से माइनस कर देंगे 7/12, तो 1/6 hour, तो 1/6 hour ज्यादा लिया किससे, माइकल से उसने, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।